बक्सर में सबसे ज्यादा बीमार बच्चे पैदा हो रहे हैं, उसके पीछे रीजन है कि बहुत सारे महिलाओं के दूध में आर्सेनिक का मात्रा जो है ज्यादा पाई है। और लाइन नहीं है, लाइन काट दिया है, पूरा बस्ती में लाइन बिजली नहीं है। और अंबेडकर जयंती के अवसर पे अंबेडकर के लोगों की स्थिति मैं दिखा रहा हूँ, अंबेडकर के नेताओं को आर्सेनिक माताओं के दूध में पाए जाने के बावजूद भी जो है नल जल में वो व्यवस्था नहीं हो पा रहा है जो व्यवस्था होना चाहिए। चौदह अप्रैल अंबेडकर जयंती के अवसर पे भारत तथा बिहार के नेताओं को एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ कि वो लोग अंबेडकर जी के नाम पे और दूसरे महापुरुषों के नाम पे तथा हिंदू मुसलमान और जातियों में बांट के हमें कितना लूटने का प्रयास करते हैं और कितना लूट लेते हैं। पीछे जो है उत्तर प्रदेश दिख रहा होगा और ये बिहार का एक गांव है, बक्सर का एक गांव है, बॉर्डर पे स्थित गांव है। यहाँ की स्थिति देखने के बाद जो है आप ऐसा कह सकते हैं कि कहीं नहीं तो कहीं विकास गांव में आने का प्रयास कर रहा है, कुछ भ्रष्ट लोग जो है ना विकास को खड्डे में डाल दे रहे हैं। ये गांव का पहले सड़क देखिए कि पहले पीसीसी किया गया है, यानी विकास आने का प्रयास की है, उसके बाद से जो है गाँव के सड़कों को तोड़ दिया गया। और नल जल की स्थिति देखिए क्या है, नल जल की स्थिति, इस नल जल से शुद्ध पानी आने वाला था और गरीबों को शुद्ध पानी मिलने वाला था। ये बक्सर वही जगह है जहां का प्रदूषित पानी पीने के वजह से माताओं के दूध में पूरे भारत में सबसे ज़्यादा आर्सेनिक पाया जाता है, जिसके वजह से बच्चे पैदा हो रहे हैं, वो बीमार पैदा हो रहे हैं और इन गरीबों को ये बात पता नहीं है। ये रिसर्च जो है महावीर कैंसर संस्थान के द्वारा कराया गया है और सबसे ज़्यादा बीमार बच्चे जो है वो बक्सर में ही पैदा हो रहे हैं। उन सब चीज़ों से बचाने के लिए नल जल योजना जो है कहीं नहीं तो कहीं धरातल पर सफल होता नहीं दिख रहा है। अगर सफल होता तो शायद जो है ये स्थिति नहीं होती। चाचा पानी नहीं होता है, पानी नहीं आता, देखिए अभी टंकी में सामने पानी नहीं आया है, पानी छूटता है तो पानी नहीं गिरता है, तनी तनी गिरता है, पानी भी छूटता है तो भी पानी नहीं गिरता है, तनी तनी गिरता है, इसलिए तनी तनी गिरता है कि ज़्यादा चुकुन भ्रष्टाचार जो है नेता सब कर लिया है सब। अगर नहीं किया होता तो शायद जो है ये स्थिति अलग होती। और ये जो गांव है वो ब्लॉक से सिर्फ और सिर्फ आधा किलोमीटर की दूरी पे है, बगल में ब्लॉक है और उस गांव की स्थिति ज़रा देखिए कि क्या है। आर्सेनिक माताओं के दूध में पाए जाने के बावजूद भी जो है नल जल में वो व्यवस्था नहीं हो पा रहा है जो व्यवस्था होना चाहिए। नल जल से पानी नहीं आ पा रहा है क्योंकि नल से जल आए या ना आए, नल जल के नाम पे जो है भ्रष्टाचार करना जरूरी है। देखिए गंदगी कितना है, आप देख सकते हैं, देखिए ध्यान से। और बक्सर के बुद्धिजीवी लोगों से भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी आवाज़ उठाएं क्योंकि बक्सर में सबसे ज़्यादा बीमार बच्चे पैदा हो रहे हैं, उसके पीछे रीजन है कि बहुत सारे महिलाओं के दूध में आर्सेनिक का मात्रा जो है ज़्यादा पाया जा रहा है। सही है कि नहीं, ये बात पता है आपको? हाँ हाँ ये सही है। बक्सर में माताओं के दूध में सबसे ज़्यादा आर्सेनिक पाया जा रहा है, क्या ये बात पता है आपको? जी जी पता है। तो उसका समाधान सिर्फ और सिर्फ एक ही है, शुद्ध हवा और शुद्ध पानी। शुद्ध हवा कहाँ से आएगा जब एक हाईवे बनाने के चक्कर में जो है 80-80 साल पुराना पेड़ काट दिया गया, जबकि ग्रीन एलिवेशन के द्वारा हाईवे बनाया जाना चाहिए था। जैसे नितिन गडकरी दूसरे राज्यों में ग्रीन एलिवेटेड हाईवे बना रहे हैं, लेकिन बिहार में जो है पेड़ों को काट के हाईवे बनाया जा रहा है। ये चीज़ें हैं। उसके अलावा नल जल जिससे पानी आना चाहिए वो पानी नहीं आ रहा, क्या सर? यहाँ कोर लाइन नहीं है, लाइन काट दिया है, पूरा बस्ती में लाइन बिजली नहीं है। और अंबेडकर जयंती के अवसर पे अंबेडकर के लोगों की स्थिति मैं दिखा रहा हूँ, अंबेडकर के नेताओं को जो कहते हैं कि हम अंबेडकर भक्त हैं, अंबेडकर भक्त हैं, अरे आओ ना इस जमीन पे और सुधार करो ना, अंबेडकर के ही लोग हैं, इन लोगों की स्थिति में सुधार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जरूर होना चाहिए सुधार। लाइट वाइट नहीं आता है? लाइट नहीं है, लाइन दिया काट दिया गया बात, ऑनलाइन नहीं आता है, 2 साल से लाइन कटा हुआ है।
हम लोग से लाइट कटा हुआ है 2 साल से। बिहार का एक ऐसा गांव जो ब्लॉक से सिर्फ और सिर्फ 500 मीटर की दूरी पे है, अंबेडकर जयंती के अवसर पे उसकी स्थिति देखिए कि उस गांव से 2 साल पहले लाइट काट लिया गया है। लाइट क्यों काटा गया पहले ये बताइए आप लोग। सर बात नहीं पता नहीं खे लाइन बात मिस्त्री अलन काट के बाद लाइन हटा दे के बाद अब इस तरह अंधारे रहो। बिल नहीं भरते थे क्या आप लोग? लोग बिल के कोई पहले कहवे ना कैलो से लाइन काट दिया गया। अगर यहाँ के लोग बिल नहीं भर रहे हैं तो इन लोगों से बिल भरवाने की जिम्मेवारी जो है कहीं नहीं तो कहीं यहाँ के प्रशासन की है। बड़े बड़े शोरूम वाले, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नेता 10-10 साल तक बिल नहीं भरते हैं। कोई बात नहीं, यहाँ के लोगों ने 2 महीना बिल नहीं भरा तो इनका लाइट काट दिया गया। और कोरोना काल में इन लोगों के पास पैसा कहाँ से था 2 साल पहले? तो पैसा नहीं था, दलित बस्ती था। कोरोना काल के दौरान आपदा के नाम पे सारा देश को लूटा गया, जिसमें सबसे ज़्यादा गरीबों को लूटा गया। गरीबों के पास खाने के लिए पैसा नहीं था, बिजली बिल कहाँ से भरते? और 2 महीना जब इन लोगों ने बिजली बिल नहीं भरा तो बिजली काट दिया गया। सही है कि नहीं? चाहिए सही है। बिजली की वजह से समस्या होता है? हाँ, बहुत समस्या है बिजली की वजह से। तो ब्लॉक के अधिकारियों से विनती करना चाहता हूँ कि हो सके तो सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक में, जिला कार्यालय में, अपने दफ्तर में अम्बेडकर जी का फोटो ना लगाएं, जमीन पे आए और जितने भी लोग हैं, जितनी भी गरीबों का बस्ती है, उन बस्ती को सुधार करने का प्रयास करें, ताकि जब इन बस्तियों में सुधार नामक विकास आएगा तब इन गरीबों की स्थिति बदलेगी और तब जाके सच में आप लोग अंबेडकर जयंती मनाने लायक होंगे। वरना सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे 2-4-10 लाइक के लिए, दिल को संतावना देने के लिए, गरीबों को लूटने के लिए, उनका हक मारने के लिए अगर आप अंबेडकर जयंती मना रहे हैं तो आप सबसे बड़ा अंबेडकर के दुश्मन हैं। तो आइए उनसे सीखिए, उनके जीवन से, और हो सके तो इन गलियों में विकास कीजिए, और हो सके तो इन गरीबों को इनका हक दिलवाइए, हो सके तो इस बस्ती में जो है वो लाइट आना चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक से 500 मीटर की दूरी पे है। अभी ब्लॉक में भी चलेंगे और यहाँ के स्थिति के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, बाकी इस बस्ती के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में, यहाँ के विकास के बारे में, बिहार सरकार के बारे में, अंबेडकर का फोटो लगा के अंबेडकर के लोगों का ही हक मारने वाले नेताओं के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद।